उत्तरकाशी के पिरोला में लव जिहाद का मामला थमा नहीं था कि अब रुद्रपुर से भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदुवादी नेताओं के हंगामे के बाद पुलिस ने मामले में युवती की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि शकील नाम का युवक राहुल बनकर 3 साल से उसकी अस्मत लूटता रहा और जब सच्चाई पता चली तो धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने लगा। वहीं लव जिहाद के मामले की भनक मंगलवार शाम को जब भाजपा और हिंदुवादी नेताओं को लगी तो लोग टांचिप कैंप थाने पहुंच गए। उन्होंने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर में युवती ने कहा है कि 3 साल पहले उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी। युवक ने अपना नाम राहुल बताया। युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। युवती के मुताबिक इस बीच 2 बार वो गर्भवती हुई, लेकिन युवक ने दवाई खिलाकर गर्भ गिरा दिया। तीसरी बार गर्भवती हुई तो पेट में गर्भ 5 माह का हो चुका था, लेकिन आरोपी युवक ने फिर से जबरदस्ती दवाई खिलाकर गर्भ गिरा दिया, जिससे उसकी जान भी जोखिम में पड़ गई। युवती के मुताबिक इसी बीच जब फेसबुक आईडी से प्रेमी की सच्चाई पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खसक गई। दरअसल जो युवक 3 साल से खुद को राहुल बताकर उससे अस्मत लूटता रहा, वो राहुल नहीं बल्कि शकील निकला। वहीं अब मामले में एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।